एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़िया और एक तोता एक बड़े घने जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रोज़ाना साथ घूमते फिरते, खुराक तलाश करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में शदीद तूफ़ान आया और साथ बारिश भी बहुत तेज़ हुई। तूफ़ान और बारिश की वजह से चिड़िया और तोते का घोंसला तबाह हो गया। तूफ़ान के बाद चिड़िया और तोता दोनों बेघर हो गए। लेकिन चिड़िया बहुत गमगीन हुई क्योंकि उसका घर टूट चुका था और चिड़िया के बच्चे भी बेघर हो गए थे। तोते ने अपनी दोस्त की हालत देखी तो उसने चिड़िया को तसल्ली दी और कहा, चिड़िया फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तोता चिड़िया के लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ा। वो दरख्तों की बुलंदियों पर उड़ता रहा और जंगल के हर कोने का जायज़ा लेता रहा। आखिरकार उसे एक बहुत खूबसूरत और मजबूत दरख्त मिला जहाँ चिड़िया अपना घोंसला बना सकती थी। तोता ये जगह देखकर फौरन वापस गया और जाकर चिड़िया को खुशखबरी सुनाई। चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने तोते का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने मिलकर उस दरख्त पर नया घोंसला बना लिया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहाने लगे। इस तरह तोते ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। यूं चिड़िया और तोता दोबारा खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे और उन दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक़्त में दोस्त की मदद करने से दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसलिए हमें मुश्किल वक़्त में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी हर तरह की मदद करनी चाहिए जिससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। और मुश्किल वक़्त में दूसरों की मदद करने से अल्लाह भी खुश होता है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।